कांस्टेबल यादवेंद्र ने बचाई है दो लोगों की जान। कांस्टेबल ने बहादुरी से दोनों की जान बचाई। ट्रेन में चढ़ते वक्त दोनों का पैर फिसला था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकल रही थी उज्जैन एक्सप्रेस। रेलवे सुरक्षा बल में तैनात है कांस्टेबल यादवेंद्र सिंह। कैंट स्टेशन का है ये पूरा मामला। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से दो यात्रियों का ट्रेन में चढ़ते वक्त पैर फिसला था, जिसके यादवेंद्र यादव ने उनकी जान बचाई है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकल रही थी उज्जैनी एक्सप्रेस। रेलवे सुरक्षा बल में तैनात है कांस्टेबल यादवेंद्र सिंह। कैंट स्टेशन का है ये पूरा मामला। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, कांस्टेबल यादवेंद्र ने बचाई है यात्रियों की जान। कांस्टेबल ने बहादुरी से दोनों की जान बचाई है। ट्रेन में चढ़ते वक्त दोनों का पैर फिसला था, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकल रही थी। पर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 2 का है ये पूरा मामला। रेलवे सुरक्षा बल में तैनात है कांस्टेबल यादवेंद्र यादव। इस पर रेलवे आयुक्त प्रकाश ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ये कल का मामला है, 4 तारीख की घटना है, जिसमें उज्जैनी एक्सप्रेस डाउन की तरफ जो ट्रेन जा रही थी, वो ट्रेन जब अचानक चल पड़ी तो उसमें कुछ पैसेंजर थे जो उस समय चाय के लिए एक स्टॉल से चाय लेने के लिए उतरे हुए थे। उसी दौरान गाड़ी चल पड़ी और वो तेज़ी से चलते हुए ट्रेन में पैसेंजरों ने चढ़ने की कोशिश की। उसमें से 2 पैसेंजर जो थे वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जो गैप रहता है, उस गैप में उनका बॉडी आ गया था। तो हमारा जो अलर्ट स्टाफ थे हमारे, यादवेंद्र सिंह, ये 14वीं बटालियन की सी कंपनी के स्टाफ हैं, ये उस समय तत्काल वहाँ पे ECP ड्यूटी के लिए, हालांकि इनकी ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन ये इतने अलर्ट थे कि उन्होंने गिरते हुए पैसेंजर को देख लिया और अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी तरह से करेज दिखाते हुए, हाई लेवल का डेडिकेशन और करेज जो है उसको दिखाते हुए, इन्होंने तुरंत सबसे पहले पैसेंजर को बचाया। और तुरंत जैसे ही उस पैसेंजर को बचाया, इनकी नज़र दूसरे पैसेंजर पर पड़ी, जिसका बॉडी भी प्लेटफॉर्म गैप में आया हुआ था। ये दौड़ते हुए इमीजिएटली वहाँ पहुँचा और उसने दूसरे पैसेंजर को भी फिर सेफली बचाया। दोनों पैसेंजर उसी समय उसी ट्रेन से चढ़ के तुरंत आगे निकल गए। इस वजह से पैसेंजरों का डिटेल नहीं ले पाए, लेकिन जो CCTV फुटेज है उसमें पहले पैसेंजर को बचाते हुए। रेलवे सुरक्षा आयुक्त प्रकाश पांडा, जिन्होंने अभी बताया कि किस तरीके से कांस्टेबल ने बहादुरी से दोनों लोगों की जान बचाई है। ट्रेन में चलते वक्त यात्रियों का पैर फिसला था और वो पटरी के नीचे आते बचे हैं, जिसकी यादवेंद्र ने बचाई है जान। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके का ये पूरा हादसा देखने को मिला है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, ये जो पूरा हादसा है ये उस समय का है जब उज्जैनी एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर थी और वहाँ 2 यात्री जो थे वो ट्रेन से उतर कर सामने बनी चाय के स्टॉल है वहाँ पहुंचते हैं और वहाँ से वो अपना चाय के जो वहाँ से परचेज करते हैं। इतनी देर में ट्रेन वहाँ से चलने को रवाना हो जाती है तो ये वहाँ से दौड़ते हुए इस ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान इनका पैर फिसल जाता है और ये ट्रेन की पटरी और ट्रेन के बीच में फंस जाते हैं। तभी अचानक वहाँ मौजूद रेलवे सुरक्षा बल का जवान जो यादवेंद्र सिंह है वो वहाँ मौजूद होते हैं, वहाँ दौड़कर उसको जो फंसा हुआ जो व्यक्ति होते हैं उनको वहाँ निकालते हैं और उसको एक को निकालने के बाद जैसे ही वो ट्रेन और आगे चलती है जो दूसरा वहाँ फंसा होता है उसको भी उसको निकालने में भी उन्हें कामयाबी मिल जाती है। जो जिन यात्रियों को बचाया गया है, क्या उनके कुछ घायल होने की भी सूचना मिल रही है या वो बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल बता दूं मैं आपको, जिस तरीके से जब ट्रेन के प्लेटफॉर्म के बीच में जब वो फंसे थे तो जरूर उनके थोड़ी सी चोट जरूर आई थी, लेकिन जिस दौरान उनको निकाला गया था उस दौरान ट्रेन को थोड़ा स्लो कर दिया गया था, जिस कारण से दोबारा से चढ़कर उस ट्रेन की बोगी में जहाँ वो सफर कर रहे थे वहाँ पहुँच गए थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।
तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आगरा से आपको दिखा रहे थे, जहां कांस्टेबल ने बहादुरी का परचम लहराया है। ट्रेन में चढ़ते वक्त दोनों का पैर फिसला था, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकल रही थी उज्जैनी एक्सप्रेस, जिसमें 2 यात्रियों को बचाकर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कांस्टेबल यादवेंद्र सिंह ने।